हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीसी अमर। तो आज जो है मैं ये आप लोगों के सामने बाबर से संबंधित, बाबर ने जो जो युद्ध किए हैं उस युद्धों के बारे में कहने के लिए आया हूँ। तो बाबर के युद्धों के बारे में हम लोग आसानी पूर्वक जानेंगे और काफ़ी रोमांटिक अंदाज में उसको समझने का और याद करने का प्रयास करेंगे। जो भी इस चैनल में न्यू है वो जो है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बाबर ने कौन कौन से प्रमुख युद्ध किए और युद्ध में क्या होता है कि इनके युद्धों को कभी कभी स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज कर जाते हैं और कन्फ्यूज करने के कारण जो है समस्या काफ़ी उत्पन्न होती है। अब समस्या जो काफ़ी उत्पन्न होती है तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि युद्ध कैसे हुआ था, किस अनुसार से कैसे कैसे किए थे। देखिए, ये है राजस्थानी महिलाएं, यहाँ मैंने खान साहब को लिखा है और यहाँ पे ये बाबर जी हैं। तो अब क्या होता है, इसमें से जो है ये राजस्थानी महिलाओं का जो परिधान होता है यहाँ से यहाँ तक को बोला जाता है घाघरा, यानी कि राजस्थानी महिलाएं नीचे में जो है कमर से नीचे घाघरा पहनती हैं और जस्ट इसके ऊपर में वे जो पहनावा होता है उसका नाम है चोली। तो क्या होता है कि यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे इस महिला को जैसे ही लेते हैं तो घाघरा के जो है सबसे नीचे, क्योंकि नीचे पहना जाता है तो घाघरा का युद्ध सबसे बाबर ने क्या किया, बाद में किया। उसके बाद इसके ऊपर जस्ट चोली है तो जस्ट इन्होंने चोली से चंदेरी का युद्ध हुआ, इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा था कि ये परिधान ये पहने हुए थे, अब पहने हुए थे तो क्या हो रहा था यहाँ पे कि दूसरी ओर जो है इस लड़की को देख रहे थे खान साहब। अब ये जो खान साहब थे इस लड़की को देख रहे हैं कि इसकी घाघरा कैसी है और चोली किस प्रकार की है और इसके चेहरा किस प्रकार से बने हुए हैं। अब ये जो ये देख रहे थे तो देखने के क्रम में जैसे ही देख रहे थे, मतलब घाघरा चोली को देखे खान साहब ने, तो खान साहब से हो गया खानवा का युद्ध। इसके बाद इसने क्या किया, रिटर्न फिर इसने अपने आंखों से इसको देख लिया, जैसे ही देखता है तो इसके चेहरे से क्या हो गया, पानी उतर गया, मतलब इसके चेहरे पे पानी आ गया। तो पानी से हम लोग देखते हैं इसके बाद की घटना में कौन सी हुआ था, पानी का युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसने बाबर ने क्या किया था, पहली बार लड़ा था, यानी कि बाबर के द्वारा प्रथम युद्ध जो है भारत में लड़ा गया था किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में। अब जैसे ही इसको क्या आता है, इसके चेहरे पे पानी पानी आ जाती है तो बाबर जी क्या थे, बगल में ही थे। अब बाबर जी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो खान साहब को बोलते क्या खान साहब क्या हो रहा है, तो खान साहब ने डरते हुए बोला कि ठीक है साहब हम आते हैं, ऐसा करते हैं मदिरा को लेके आते हैं, मदिरा को लाएंगे हम दोनों क्या करेंगे थोड़ा सा मदिरा पान कर लेते हैं, इसके बाद जो है कि हम लोग क्या, क्योंकि इस समय तक इसको ना आदि हो चुकी थी है शराब की, ये लत लग चुका था इसलिए इसको कोई भी बोलता था तो ये तैयार हो जाते थे। तो ये बोला कि ठीक है ऐसा कीजिए आप क्या कीजिए आइए और शराब लेके हम दोनों क्या करते हैं एंजॉय करते हैं मनोरंजन करते हैं। इसके बाद जैसे ही ये मदिरा पान करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे क्या होता है, इनके बहुत सारे युद्ध करने के कारण ये थक भी चुके थे और मदिरा पान अधिक करने से इसका स्वास्थ्य क्या होने लगा था, बिगड़ने लगा था। और बिगड़ते बिगड़ते जो है लगभग इसका क्या होता है लास्ट के, मतलब 1530 ईस्वी के लास्ट में जब जैसे ही आता है इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद बाबर का शासनकाल जो है भारत में समाप्त हो जाता है, जिन्होंने क्या किया था, मुगलों की स्थापना किए थे इन्होंने। तो ये मेरा बताने का मकसद था कि किस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे, सबसे नीचे घाघरा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध किस प्रकार हुआ, खानवा का युद्ध कैसे हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जैसे ही हम लोग ये तो जरूर सबको याद है कि बाबर यहाँ पे 1526 ईस्वी में आए थे, तो याद रखेंगे 26-27 कंटिन्यू है और 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, काफ़ी इंटरेस्टेड है, अगर याद आए समझ में ये अगर आ गया हो तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें ताकि जो है इस चैनल में बेहतर से बेहतर में करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।